हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 9:30 बजे से। तो नाम आके आ गए हैं और अनाया कर रही है अपना नाश्ता। बहुत दिन बाद मतलब ये कर पार्ले बिस्किट और पानी तो डिप करके खाने में बड़ा मज़ा आता है। मैं भी खाती हूँ, बहुत टेस्टी है। बड़ा मज़ा आता है, गोल्ड रहता तो और ज़्यादा। तो गोल्ड इस टाइम ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी पानी और ये मजा आ जाता है। वो भी जब भूख लगती है तब वेजिटेबल्स फ्रूट्स टन टन वेजिटेबल्स का जो आपको ये सब मैंने बनाया सब के सब। मम्मा मेरे को भी एक लीची दो और लीची निकालो खाया जाए। तो मैंने बनाया है फ्रूट शेक। तो सोचा रेसिपी शेयर करते हैं। तो सारे फ्रूट्स को मैंने बढ़िया से धो के काट दिया था और ये फ्रीजर में अब जाएगा। फ्रीज में डाल के मैं शील्ड कर लूँगी। उसके बाद अब सारी चीज़ें रेडी है तो अब डिस्पोजर में मैं लगाती हूँ। तो शीशे के गिलास में या फिर डिस्पोजर में लगाते हैं। तो मुझे डिस्पोजर सही लगा कि दे मतलब लगा के और देते जाएं सबको। तो टूटी फ्रूटी भी मैंने ले लिया है और सारे फ्रूट्स भी मैंने डाल दिया। ये सारी चीज़ें चील्ड है और फिर अब जाएगा इसमें फालूदा। तो सबसे पहले थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, फिर फालूदा डालते हैं। ये भी एकदम चिल्ड है, मैंने पहले से ही बना के फ्रीजर में डाल दिया था। तो मैंगो शेक भी रेडी है। तो मैंगो शेक, फालूदा और फ्रूट्स वगैरह ये सब रेडी करके आपको फ्रिज में डाल देना है। फिर लगाना है गिलास और देना है सजा के। तो ये सारी चीज़ें ये देखिए एकदम रेडी है। तो अब देते हैं सबको और ये ना बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभार के लिए तो सही है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता मुझे तो फालूदा और या फिर फ्रूट कस्टर्ड, फ्रूट आइसक्रीम ये सब एकदम ना के बराबर है। थोड़ी से टेस्ट के लिए मैं खा सकती हूँ, बाकी एक आध गिलास ऐसे ही मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है ये सब। तो मैंने केवल शौक के लिए बनाया था कि कैसे लगता है और सबको खिलाने पिलाने के लिए बस। तो ये भी बना बना के रेडी करते हैं, फिर जाते हैं। आज जाना है, कहाँ जाना है ये सब देखते हैं। आगे बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और ये वीडियो है काफ़ी दिन का, तो मैंने कहा रेसिपी शेयर करना है तो बीच में ही ऐड कर देते हैं। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो हेलो गाइस, तो आज हम लोग जा रहे हैं समस्या के घर। तो बहुत जल्दी हम लोग मतलब बना रहे हैं सब, मतलब बना नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा वीडियो में ही मम्मी ने वो शेक था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो मम्मी ने थोड़े बहुत लोगों को बांटा, फिर अब हम लोग जा रहे हैं समिष्ठा के घर। अब हम लोग समिष्ठा के घर मतलब समिष्ठा को और वहाँ भी सब लोग हैं उनको देंगे। बाय बाय। तो अभी आए हुए हैं फुल्की, अनाया के पापा ले आए हैं और अनाया सो रही है तो जगा रही हूँ, उठ नहीं रही है। तो मैंने कहा चलो पहले मैं खा लेती हूँ। तो इतना लग गया है, मैं पहले पूरा ही लगाने वाली थी लेकिन तो जितना खिलाएगा मैं खाऊँगी, नहीं तो फिर रख दूँगी। और पानी ये देखिए, वैसे मुझे खड़े होके खाने में मज़ा आता है यार, ऐसे घर में पैक वैक करके मुझे नहीं मज़ा आता। तो चलिए खाते पीते हैं। तो आज है मदर्स डे और फुलके वगैरह खाने के बाद अब मैं मिलती हूँ केक कटिंग पे। अभी तुरंत ही तो ताजा तो बना के दिया है। थैंक यू सोना, वेलकम वेलकम।
तो यहाँ पे काफी लोग सोच रहे होंगे बिना तैयार हुए ही ऐसे केक काट दिए। तो ये केक कटिंग हुआ था 11:30 बजे रात में, मैं सोने चली गई थी तो फिर केक आया और बोली कि चलिए केक कटने वाला है तो मैं आ गई थी। और वैसे भी मैं सेलिब्रेट कर चुकी थी पहले से ही, अनाया काफ़ी चीज़ें लाई थी, गिफ्ट लाई थी और भी कार्ड वगैरह बनाई थी, लेकिन वो दिखाने के लिए मना किए इसलिए मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि उसको गिफ्ट दिखाना पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। आओ सोना पहले तुम खिलाओ, पहले खिलाने दो, पंखा खोल दो, खा लो। चाची का पूरा नहीं आया है। टेस्ट बड़ा जबरदस्त है। नहीं चलिए खोलिए, पहले इसको अनबॉक्सिंग करें। अरे बाप रे, यही बज ही रहा था। कितना ली? 2-8 है भाई। 2-8 है। हाँ खोल के देखो, 2-8 लग रहा है। हाँ 2-8 है, फोटो फ्रेम। अरे यही मैं अपन सूरज देख रही हूँ। चलिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू, वेलकम। इसे देखो, वाव, ये है और अंदर भी है। वाव मॉम, अरे बाप रे, हैप्पी मदर्स डे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन माई एवरी वन लाइफ, वी सेलिब्रेट मदर डे। तो आज है अनाया के स्कूल में डांस प्रोग्राम, तो अनाया स्कूल जाने वाली है और प्रैक्टिस कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया है और आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं पिक खत्म, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।